छुट्टियों के दौरान सिर्फ खेलना मत, जो सब्जेक्ट तुम्हें मुश्किल लगते हैं उन्हें पढ़ते रहना, ओके? ठीक है ठीक है, तुम लोगों ने इस सेमेस्टर में बहुत मेहनत की है, अब मैं तुम्हें अगले सेमेस्टर में मिलूंगी, ओके? यस मैम। ये सेमेस्टर ऑफिशियली खत्म हुआ बच्चों। जीना, अच्छा हुआ तुमने हमें इनवाइट किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम एक साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। मेरी दादी माँ तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश होगी, उन्हें खातिरदारी करना बहुत पसंद है। एक अच्छी बात यह है कि मुझे एकेडमी से ब्रेक मिला है, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाती। रोकी, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही? तुम आती तो मजा आता। सॉरी, मुझे जिम में रुकना पड़ेगा। मैं चलूं क्या? रोकी के बदले मैं चल सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर रॉबिन साथ चलेगा तो तुम आ सकते हो। रॉबिन, चलो ना इनके साथ। मैं नहीं जाऊंगा। हमारे साथ चलो ना, चलो ना। तुम्हें क्या लगता है कि रॉबिन तुम्हारे साथ जाना पसंद करेगा? वो तो एले जाना पसंद करेगा, है ना? रॉबिन, क्या तुम इंग्लिश कैंप के लिए मेरे साथ एले जाना चाहोगे? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। तुम अकेले ही जाओ एले। तुम भी चलो ना, तुम नहीं चलोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो। ओह, क्या कर रही हो? जीना, जरा दरवाजा खोलो, मैंने जेई और रॉबिन को खाने पर बुलाया है। मॉम, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझे जाने दो, जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? जितना चाहे उतना खाना। खाने के लिए शुक्रिया। अरे वाह, तुम दोनों बड़े प्यार से खाते हो। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कब वापस आ रहे हैं, ये तो बताओ। शायद वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें वहाँ जरूरी काम है। ओह नहीं, तुम लोगों ने बहुत मिस करोगे, है ना? तो तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों जीना की दादी के घर क्यों नहीं चले जाते? क्या? जीना की दादी गाँव में रहती है, कल जीना और उसके फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ चले जाओ। मॉम, इन्हें वो जगह नहीं पसंद आएगी, जाने दीजिए। अरे नहीं, मैं जरूर चलूंगा। क्या हम सच में जाएं इनके साथ? बिल्कुल, जीना की दादी को तो सबकी खातिरदारी करना बहुत पसंद है। मैं तो जा रहा हूँ। रोबिन, तुम बताओ, क्या तुम चलोगे हमारे साथ? इसे गांव में अच्छा लगेगा क्या? तुम तो नहीं चलोगे ना? क्यों, मैं भी साथ चलूंगा। सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्यों, मैं नहीं आ सकता? अगर मैं यहाँ अकेला रहा तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा। ओह, कितनी अच्छी बात है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाएंगे। शॉर्ट स्लीव्स ले लिया, लॉन्ग स्लीव्स भी है, स्लीवलेस भी है, पजामा, स्वेटर, सॉक्स, सब पैक कर लिया। अब बचा मेकअप। मेरे पास बेस है, आई शेडो है, सनस्क्रीन है, ओह फेशियल मास्क रखना है। तुम तो नहीं आने वाली थी ना, अब बचाना क्या हो गया? वैसे तो पहले मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब कर रहा है, क्योंकि रॉबिन आ रहा है। अरे ये मेरा है, तुम नहीं पहन सकती। छोड़ दो इसे, मैं इसे पहनूंगी। नाटक बंद करो, मुझे दो। इतना लालच मत करो, मैंने कहा ना मैं इसे पहनूंगी, वापस दो इसे। ये मेरा है, मैं ये पहनूंगी। अगर मैं इसे बीच से काट दूं तो? सना, तुम इसे पहन लो। नहीं नहीं, तुम पहन लो, कोई बात नहीं, हम शेयर करके पहन लेंगे। शेयर करना तो अच्छी बात होती है ना।
ए रुको रुको, दिखाओ तो, ये क्यों लाई हो? इसलिए क्योंकि मुझे वाइन पसंद नहीं। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कल पेरिस जा रही हूँ। पेरिस? तुम अकेली? आओ, कितनी बेवकूफ हो तुम, ऐसे कैसे जा सकती हो? जिस आदमी को तुम जानती नहीं उसके साथ पेरिस जाओगी? क्या बोल रही हो तुम, मैं जीजुन के साथ जा रही हूँ, अकेली कहाँ जा रही हूँ? उसने तो मेरे लिए होटल और टिकट्स भी बुक कर दिए हैं। मुझे तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। एक बात याद रखना, ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, पता है ना? पता है उसके बारे में वो कैसा है, क्या करता है, कुछ जानती हो? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जीजुन मुझ पर कितने पैसे खर्च करता है तुम्हें पता भी है? जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तुम उनमें गलतियाँ क्यों ढूंढती हो? तुम्हारी गलती की वजह से मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने तो सिर्फ तुमसे कहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? हा? तुम हमेशा लड़कों में खामियां निकालती रहती हो। पिछली बार भी तुमने ऐसे ही किया था, एक को तो डरा के ही भगा दिया था। तुम्हें कुछ याद नहीं मैंने है? तुम्हें मुश्किल से बचाया है, वो काफी अजीब था। तुम्हें लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता है, सच में। जीजुन का फोन आया है, जाओ बाहर जाओ। हेलो, बाहर जाओ। हाँ, कैसे? अरे बाप रे, ये तो उसके पीछे पागल हो चुकी है। कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए, बाप रे पता नहीं क्या होगा। अपना ख्याल रखना, दादी को परेशान मत करना, मजे करना, ठीक है? मैं आपको रोज फोन करूंगी। आंटी भी जा रही है तो आप अकेले? मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, है ना? तुम लोग मजे करना, ओके? मॉम, अगर आपको डर लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेवकूफ वाली बात ही मत किया करो मुझसे। चलो जाओ जाओ जाओ। ओके बाय। अपना ख्याल रखना, जाओ जाओ, संभल के जाओ। अरे ये क्या कर रही है अंदर? क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है क्या? अभी मेरी फ्लाइट के लिए काफी टाइम है। आजकल एयरपोर्ट पर काफी भीड़ होती है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं वक्त पर चली जाऊंगी ना। गांव की मिट्टी की बात ही अलग होती है। सही कह रहे हो तुम, लेकिन यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं आता है, ये काम नहीं कर रहा। तुम इंटरनेट के बिना नहीं रह सकती क्या? यहाँ तुम्हें इंटरनेट की क्या जरूरत है? हमने तुम्हें रॉबिन की वजह से आने दिया। Shut your mouth! Sorry, तुम्हारे जूते बड़े अच्छे हैं, नए हैं क्या? अपने नए जूते को बचा सकते हो तो बचा लो। 1, 2, 3, start! अरे, क्या कर रहे हो? चलो अब चलते हैं, दादी इंतजार कर रही होगी। दादी माँ, तेरी पोतियाँ। अरे बाप रे, पता है तुम्हें पिछली बार तुम आई थी तब तुम इतनी छोटी थी। साना लगता है तुम्हें यहाँ ना पसंद नहीं है। ओ दादी माँ बचाइए। अरे डरो मत। ओ सैम सुन, लगता है इसने तुम्हें पहचाना क्या? नहीं। ये सैमसून है? ये सच में सैमसून है क्या? हाँ। सैमसून, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। ये नहीं हो सकता, ये सैमसून तो छोटा पप्पी था, अभी इतना बड़ा हो गया। हेलो दादी। हेलो। तुम लोग थक गए होंगे, चलो सब लोग अंदर चलो। आओ। मुझे दीदी के सामने इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं उसे कैसे कहूँ कि मेरा जाना कैंसिल हो गया है? हाँ जीजुन, कैसे हो? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम पूरे 100 साल तक जियोगे। सियोनी, मुझे माफ करना। हाँ?
मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए हम कल घूमने नहीं जा सकते। क्या? दरअसल मैं तुम्हें पेरिस में रात का नजारा दिखाने वाला था। मेरा मन तो कर रहा है कि हम लोग अभी चले जाएं। नहीं 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 नहीं, देखो हमारे घूमने से ज्यादा जरूरी तुम्हारा काम है, तुम बस अपने काम में ध्यान दो, घूमने तो हम फिर कभी चले जाएंगे। पता है तुम दूसरी औरतों से बहुत अलग हो, वापस आने के बाद हम जरूर जाएंगे। ठीक है, जब वापस आओगे तो मुझे फोन करना, ठीक है? सियोनी, I love you. मैं वापस जाऊंगी तो दीदी मेरा मजाक उड़ाएंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेहतर होगा मैं कुछ दिन कहीं और जाकर रुक जाऊं। जी हाँ, आप आ जाइएगा किसी भी वक्त। हाँ कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं ठीक है, आप कब तक आना चाहते हैं ये बताइए। ओके। आओ, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। मैं यहाँ पर तुम्हें ये लंच बॉक्स देने आया था। वो क्या ना, घर पे बच्चे नहीं है ना, तो तुम खाना नहीं बनाती ना। ये सब की क्या जरूरत थी? ठीक से देख लो, हाँ कुछ टूटा तो नहीं है ना? आगे का दरवाजा खराब हो गया है, दरअसल इसे अभी ठीक करना था, लेकिन वो कह रहा है शाम को आएगा। अच्छा अच्छा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि मैं मिलिट्री इंजीनियर हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तुम चाहती हो तो मैं बाहर जाकर ठीक कर लूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाके अपना काम करो, ठीक है? जाओ यहाँ से इसी वक्त। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ। बात, मैं ठीक कर सकता हूँ। जाओ, सुनो, एक मौका दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। जाओ यहाँ से। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? मुझे जल्दी ही ये दरवाजा ठीक करना पड़ेगा। अरे सुनो ना, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, एक मिनट। ओ हाँ, एक आइडिया है। घर पे बच्चे नहीं है, शौही भी घूमने गई है, और मेरे लिए अच्छा मौका है। समझ गया मुझे क्या करना है, मौके को दबोच लेता हूँ, मजा आ जाएगा, आता हूँ। अरे बाप रे, मैं ज्यादा खाना नहीं बना पाई, उम्मीद है तुम्हें बहुत टेस्टी लगता है। आज मैंने सादा खाना ही बनाया। दादी माँ, ये सादा खाना है क्या? और नहीं तो क्या, इसमें तो मैंने सिर्फ कुछ मसाले डालकर हल्का फुल्का जो मिला वो बना दिया। खाना बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, दो मिनटों में बना दिया। चलो चलो खाओ, तुम लोग खाओ। शुरू करते हैं। अब अचार को इसके ऊपर रखो, इसे रोल करो ऐसे, और खोलो मुंह, खोलो अपना, ऐसे खाओ। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। दादी माँ, अरे तुम देखो हमारे यहाँ कौन आया है, क्या लाए हो तुम? हम आपके पास से इसे ले गए थे, ये लौटाने आया हूँ। अरे दो, तुम उसे कुछ और दिन रख लेते अपने पास। सुनो, तुमने खाना नहीं खाया होगा ना? चलो चलो जल्दी आओ, खाना खा लो। हाँ आज तुम्हारी दादी देर से आएगी। हाँ चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। बच्चों, इनके लिए जगह बनाओ, आओ बैठो। हमें और दो प्लेट लगानी होगी, ये लो उसे दो। अच्छा बच्चों, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। बड़े का नाम जॉनवू है और छोटे का नाम यूनवू है। जॉनवू इस साल हाई स्कूल में पहला साल है ना? हाँ। अच्छा, तो फिर तो तुम और जीना एक ही उम्र के हो, तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। और ये मेरी छोटी पोती साना है, और ये सब जीना के फ्रेंड्स हैं, तुम सबसे दोस्ती कर लो। हाँ हाय, ये लो। मेरा हो गया दादी माँ। इतनी जल्दी? तुमने तो कुछ खाया नहीं, कुछ और खा लो। मैंने बहुत खा लिया,
अब हमें जाना होगा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा खाना बांध के देती हूँ, जाते हुए घर ले जाना। नहीं, हमारा पेट भर गया है। ये लो। ये शूज तो जेई के हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे इनकी जरूरत थी। प्लीज किसी को मत बताना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ नहीं बताऊंगी। थैंक यू। मैंने बहुत खा लिया, बहुत सारा खा लिया। अरे ये तो जेई के जूते हैं, ये यहाँ कैसे आए? ये मेरे ख्याल से सैमसून लेकर आया होगा। सैमसून? सैमसून को जूते चबाना अच्छा लगता है, न जाने कितने खा गया। तुम सब अपने अपने जूते संभाल कर रखना। हाँ, चोर कहीं का जूता चोर। तुम जूते चोर हो। जूते चोर। ये क्या, वो तो नहीं बताने वाली थी, वादा तोड़ दिया। क्या बकवास है। इस वक्त मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? काश इस वक्त मैं पेरिस में होती। ओह मिसवा, कैसी हो? हाँ तुम कहाँ हो? बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं इस वक्त आईफिल टावर के ऊपर हूँ, जहाँ से मैं पूरा शहर देख सकती हूँ। मुझे मजा आ रहा है। हाँ सना, तुम्हारे डैड कैसे हैं? तुम उनसे मिलती हो क्या? आप डैड के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझसे मत पूछिए। अरे ये क्या? मैं अपनी पोती से नहीं पूछूंगी तो और किससे पूछने जाऊंगी? मुझसे नहीं, जीना से पूछिए। माना कि तुम्हारे डैड की गलती है, लेकिन तुम उनसे नफरत नहीं कर सकती। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम नहीं जानती, वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। वो नहीं चाहते थे तुम अकेली पड़ जाओ, इसलिए सैमसन को तुम्हारे साथ खेलने के लिए लाया गया। सैमसन तुम्हें बहुत पसंद करता है। हाँ। गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। सना बेटा, अपने डैड से इतनी नफरत मत करो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब आखिर में आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। आप नहीं आ सकते। अच्छा कल सुबह का क्या है ये बताइए। हाँ मिस्टर, तो सुनिए मेरी बात। हेलो,
ओहो क्या करूं इनको। अब तुम्हें क्या चाहिए? अभी तक दरवाजा ठीक नहीं हुआ ना, मैं ठीक कर देता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो हा? एक बार कोशिश करके देखो तो सही, मैं ठीक कर दूंगा। इस वक्त कहाँ हो, कहाँ हो तुम? मैं दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। पता नहीं कब ये ठीक करेगा। अजीब बात है, उन्होंने कहा था इसे काम बन जाएगा लेकिन मैं जानती थी यही होगा। अब बताओ कैसे भरोसा करो तुम पर। हम बताओ, तुमसे कोई काम नहीं होता। हाँ खाली दिमाग, हाथ मत लगाओ उसे, जैसा है वैसा रहने दो, मैं किसी और से ठीक करवा लूंगी, रहने दो। लेकिन इसे ठीक किए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? रुको, अच्छा मैं इसे ठीक करके चला जाऊंगा। ओके, और तुम इस तरह से मेरे सिर पर खड़े मत रहो ना, जाकर अपना काम करो, मैं इसे ठीक करता हूँ, तुम चली जाओ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये तुमसे ठीक नहीं होने वाला, मुझे किसी और को ही बुलाना पड़ेगा। ओ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? यूनही मुझसे ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं कोशिश आज रात मैं यहीं सो जाता हूँ, यहाँ सोऊंगा लेकिन परेशान नहीं करूंगा। मुझे पता था यही करेगी ये। ओ अच्छा अच्छा समझ गया मैं सब। अरे बाप रे, ये कौन? तुम यहाँ अरे उठो, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या तुम पूरी रात यहीं पर थे? सुबह हो गई क्या? तुम यहाँ क्यों सोए, तुम्हें नींद आई? वो मैं दरवाजा ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं अकेले छोड़ के कैसे जा सकता था ये सब, इसलिए मैं पहरा दे रहा था और पहरा देते देते सो गया यहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। खैर मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। जरा रुको, अब नाश्ता करके ही जाना, तुम रात को ठीक से सोए भी नहीं हो ना, इसीलिए। सच? इसका मतलब मुझे तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना मिलेगा? रॉबिन की पैंट तो बहुत फनी है। यह तो बड़ी अच्छी है। हाँ सही कहा तुमने, जीना की पैंट सबसे बेस्ट है। सही कह रही हो। ये भी तोड़ो, ये रही लाल ठीक मिर्च। है ये वाली ठीक है, जल्दी। मैं थक गई हूँ। और कितनी तोड़नी पड़ेगी? मैं भी थक बहुत थक गई। अरे बाप रे, जीना ये गांव का वेकेशन हमें याद रहेगा। ये तो वही लड़का है।
तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूं? देखने दो। तुम उस लड़के की बहुत फिक्र करती हो ना जीना, क्यों करती हो? मैं, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं और सना दादी माँ के साथ यहीं पर पले बड़े हैं। हम हमारे पेरेंट्स को बहुत मिस करते थे और ये भी मिस करते होंगे। मैं उनकी फिक्र करती हूँ क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ। अच्छा, अरे आज हमने बहुत मेहनत की है, क्या तुम सबको भूख नहीं लगी है? चलो खाने का टाइम। मुझे तो बहुत भूख लगी है, इतना थक गई हूँ आज, तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। बुरा, वो भी हमारे लिए? ये होती कौन है हम पे तरस खाने वाली? ये खुद को क्या समझती है? पता नहीं कहाँ चली गई। अरे सुनो सुनो, तुम लोगों ने सैमसन को कहीं देखा? सैमसन को नहीं देखा, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने हर जगह देख लिया। उसे यही कहीं होना चाहिए। नहीं, वो कहीं पर भी जाती है तो खाने के वक्त घर लौट आती है। अरे हाँ, मैंने सुना है आजकल लोग डॉग की चोरी करने लगे हैं। उससे भी कोई चोरी करके ले गया होगा तो? अरे अब हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए नानी माँ, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है ठीक है, खेलो। सैमसन, सैमसन कहाँ है तुम? सैमसन, सैमसन, सैमसन वापस आओ। सैमसन, 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 सैमसन कहाँ हो तुम? सैमसन, सैमसन कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। सैमसन कहाँ हो तुम? सैमसन, क्या हुआ? सैमसन कहीं चली गई है क्या? हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तुमने उसे देखा क्या? मैंने उसे पहाड़ियों में देखा था, क्या वो अभी तक नहीं आई? मैं उसे लेके आता हूँ। पहाड़ियों में? पहाड़ियाँ किस तरफ है? मैंने उसे टर्टल रॉक की पहाड़ी पर देखा था। तुम उसे देखने जाओगी? ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। तुम मुझे बता दो, मैं दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। अगर तुमने वहां से आने में देर कर दी तो कोई और चुरा लेगा उसे। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। सच में तुम मेरे साथ चलोगे? एक मिनट रुको। मेरे फोन में सिग्नल ही हमें इसी वक्त निकलना होगा वरना देर हो जाएगी, जल्दी चलो। यूनु, तुम घर चले जाओ, ठीक है? सुनो, मैं भी आया। ओ, ठीक है, तुम जाओ। जियानवू, तुम कहां पर हो? जियानवू,
अनवू, मजाक बंद करो और बाहर आओ। जियोन वो, जियोन वो। मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था ना, चलो। जियोन वो, जीना कहाँ है? उसे यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं। अगर वो रास्ता भटक गई तो? वो बेवकूफ नहीं है, वो रास्ता नहीं भटकने वाली। उसे थोड़ी मेहनत करने दो, वो इसी के लायक है। तुम उसकी फिक्र मत करो। समझ नहीं आ रहा, मैं कहां पर हूं? पता नहीं जॉन वो कहां चला गया। यहां तो सिग्नल भी नहीं है। समझ नहीं रहे हो, मैं यूनहीन के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कोशिश करने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ तो कल तुम्हें मैं बुला लूंगा। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं आ जाऊंगा। अरे यार, उसे फोन करो, करो फोन जल्दी। हेलो मैम, मैं आज आपका दरवाजा ठीक करने के लिए आने वाला था, लेकिन सॉरी, मैं एक जरूरी काम के चलते आज भी नहीं आ पाऊंगा आपके पास। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सॉरी आपको। हेलो, थैंक यू, तुम जाओ जाओ अब।